बहुत दुख और तकलीफ की बात है कि सैकड़ों लोगों के रहने वाले आशियाने जिस तरीके से उजाड़े गए हैं, वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या संवेदनशीलता है लोगों के प्रति, उसको दर्शाता है। ये लोग जितना वक्त आपस में लड़ने के लिए लगाते हैं, अगर उससे 10% भी ये लोगों के लिए लगा दें तो इस तरीके की समस्या का सामना ना आना पड़े। ये ठीक बात है कि अदालत का ऑर्डर है, लेकिन इस अदालत में के ऑर्डर में सरकारी वकील जब जाता है, हमारे समय में भी अनेकों केस ऐसे अदालतों में चलते थे, हमारा सरकारी वकील वहां जाके ये बताता था कि इन लोगों को हम अल्टरनेटिव प्लॉट देने की पॉलिसी बनाई है और जब इनको अल्टरनेटिव प्लॉट दे देंगे तो तब इनको शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो है सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है, जब स्टैंड नहीं है तो न्यायालय ऑर्डर पास कर देता है और ये जो है इस सरकार को लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता ही नहीं बची है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सैकड़ों लोगों के घर उजाड़ दिए, इनके पास जाने की कोई जगह नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, यहाँ तक कि इनको अपना सामान इकट्ठा करने का भी जो है मौका नहीं दिया। और इतने बिजी हैं ये सियासत के खेल में, गद्दी के खेल में, कि ना तो मुख्यमंत्री ना केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे को आज तक इनकी सुध लेने की जो है फुर्सत मिली है। मुख्यमंत्री इतने जिस स्टेट के अंदर 200 परिवार उजड़ गए हों, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री चैन से कैसे सो सकता है, ये तो सोचने का, ये चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है। हम निश्चित तौर पर, खाली इनका इशू नहीं है, सेम इशू संगम विहार में हो रहा है जहाँ सैकड़ों परिवार जो है वहाँ बसे हुए हैं और उस कॉलोनी को तोड़ने का ऑर्डर हो गया और दिल्ली सरकार के कानों के ऊपर जू नहीं रेंग रहा, खाली अखबारों में बयान दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और आज इसी कड़ी में मैं फराद सूरी जी, जो दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हैं, दर्शना जी जो निगम पार्षद जो है जंगपुरा क्षेत्र से रही हैं, हम सब लोग और तमाम हमारे कांग्रेस के साथी इस क्षेत्र के, हम इसीलिए आए हैं। आज फरहाद भाई ने ऑलरेडी, हम जो कांग्रेस की तरफ से कर सकते हैं, इनके खाने की व्यवस्था 2-3 के लिए इंतज़ाम फरहाद भाई ने किया है और हम इनका मामला अदालत में भी लेके जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मैं लिखूंगा कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ग्रैप 4 दिल्ली में लागू है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन है, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन है तो डेमोल्यूशन की एक्टिविटी कैसे हो सकती है, वो अपने आप में आपके ऑर्डर को कॉन्फ्लिक्ट करता है। सेकंडली जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको तोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दिल्ली में जो भी झुग्गियाँ और जो डुसीप की लिस्ट में आती हैं, ये कॉलोनी भी डुसीप की लिस्ट में आती है, जब तक इनको अल्टरनेटिव प्लॉट ना दे दिया जाए, अल्टरनेटिव मकान ना दे दिया जाए, इनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, गैर कानूनी है इनकी डेमोल्यूशन करना। और दूसरा, हमने अपने समय में राजीव गांधी आवास योजना बवाना में बनाई थी जिसमें सैकड़ों फ्लैट बन के तैयार हैं, वो इसीलिए थे कि जहाँ भी हमको इस तरीके की बस्ती को शिफ्ट करना है पहले उनको हम प्लॉट, उनको आप फ्लैट अलॉट नहीं कर रहे हो, वो पड़े पड़े फ्लैट जो है सड़ गए हैं, टूट गए हैं, उनको वो जो है गिरने की कगार पे आ गए। दूसरा, आप इन लोगों की जो है, इन लोगों का आशियाना छीन रहे हो। कांग्रेस पार्टी इस सारे मसले पे चुप बैठने वाली नहीं है, हमको इन लोगों के लिए और दिल्ली के और लोगों के लिए उनके आशियाने बचाने के लिए अगर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी उससे पीछे हटने वाली नहीं है। मैं ये कहने के लिए, परिवारों को यहाँ घर तोड़ा गया है, जैसे 200 से अधिक परिवार हैं, 250 से अधिक, फराद भाई बता रहे थे 217 तो डूसिप की लिस्ट में है, डूसिप की लिस्ट पुराना एक कट ऑफ डेट होती है उसके, मगर उजड़े ज्यादा है तो 217 का तो ऑफिशियल लिस्ट है, कानूनी हक बनता है, कानूनी हक बनता है। और कभी भी जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, लैंड ओनिंग एजेंसी डूसिप में पैसा जमा करवाती है, ये उनकी जिम्मेदारी है, नहीं तो जब तक जगह खाली नहीं होती है। और आप ये देख लीजिए कि सामान ऐसे बिखरा हुआ, गरीब आदमी का भी अपना आशियाना होता है, थोड़ा बहुत सामान रहता है, रात को लाइट नहीं है, पानी कटा हुआ है। और सर एक चीज़ और है अध्यक्ष जी, यहाँ बच्चे जो कांग्रेस के ज़माने के EWS में जिनको दाखिला मिला था, जो DPS में पढ़ते हैं, मॉडर्न में पढ़ते हैं, सरदार पटेल में, हमारा जो कैचमेंट एरिया ये है, वो बच्चियाँ खास तौर पे इम्तिहान नहीं दे पा रही। आसपास जो कमरा 4,500-5,000 में मिलता था वो आज 10,000 में भी नहीं मिल रहा, दलाल 15,000 रुपये सिर्फ मिलाने के ले रहे। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, मतलब खुदा के सिवा तो इनका कोई है ही नहीं।